आपके भीतर कौन है जो इसको अनुभव करता है? कर्तापन से विमुक्त है, ना वो करता है ना वो भोगता है। फिर आप कहेंगे कि ये मीठा किसको लगता है, खट्टा किसको लगता है? ये प्रश्न पूछा है धीरज मदान जी ने गुरुग्राम से। गुरुदेव, ज्ञाता और ज्ञात के संदर्भ में थोड़ी और स्पष्टता की आशा करता हूँ। यदि एक व्यक्ति फल खाता है, उस समय जो अच्छे या बुरे विचार या भाव उसमें उठ रहे हैं, वह ज्ञाता है या ज्ञात है? बहुत ही प्रीतिकर और बहुत ही अर्थपूर्ण जिज्ञासा है। वास्तव में जब कुछ भोग करते हैं आप, चाहे मीठा फल खा रहे हो, चाहे खट्टा फल खा रहे हो, जो भी अनुभव आपको होता है, वो अनुभव किसको होता है? आपके भीतर कौन है जो इसको अनुभव करता है? वास्तव में आपकी आत्मा, जिसको हम साक्षी कहते हैं, वो भोक्ता नहीं है, वो कोई भोग नहीं करता है, वो सिर्फ साक्षी है, हर चीज से तटस्थ, और वो करता भी नहीं है, कर्तापन से भी मुक्त है, ना वो करता है ना वो भोगता है। कौन? जिसे हम आत्मा कहते हैं। आत्मा ना तो करता है, आत्मा ना तो भोगता है, वो सिर्फ साक्षी है, जस्ट बीइंग, प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्धतम चेतना। फिर आप कहेंगे कि ये मीठा किसको लगता है, खट्टा किसको लगता है? ये मीठा और खट्टा जिसको लगता है, उसको हम कहते हैं मन, यानी अंग्रेजी में उसी को कहते हैं माइंड। या आपका माइंड जो है वो फल को खाते समय अनुभव करता है कि ये फल खट्टा है, आत्मा से कोई मतलब नहीं। तो ये फल तो हो गया ऑब्जेक्ट, और उस फल को देख रहा है, और देखने के माध्यम से उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहा है, जान रहा है। ज्ञाता कौन है? मन, माइंड। ये है नोअर। नोअर इज द माइंड, नोन इज द फ्रूट, एंड योर बीइंग, योर सोल इज द ऑब्जर्वर, इज द साक्षी। होप द पॉइंट इज क्लियर। ओके, थैंक यू, माई लव, माई ब्लेसिंग्स।